नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल REC फंडा में। आज आप सबके लिए जो हम वीडियो लेकर आए हैं वह है इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो जितने भी आपके टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट SCVT, जिसमें आपके 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे और उसके बाद आपके 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी के होंगे और बाकी के जो आपके 6-6 क्वेश्चन, मतलब आपके 12 क्वेश्चन आपके ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के होंगे। जैसा कि सभी बच्चे कंफ्यूज थे कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, और इसके लिए निमी ने अपनी वेबसाइट पर एक सैम्पल पेपर भी डाल दिया है। तो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या वो क्वेश्चन वही होंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि निमी ने एक आइडिया दिया है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पे आ सकते हैं। तो उसी के कलेक्शन के हिसाब से हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आपके लगभग 9 टॉपिकों में आपके इस आपके एग्ज़ाम को हमने डिस्क्राइब किया है, जिसमें कंटेंट में आपके जो पहला है आपका साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, वेल्डेड जॉइंट, पाइप फिटिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, फास्टनर एंड बोल्ट, रीडिंग ऑफ नेविगेशन चार्ट, ट्रेड रिलेटेड टूल्स। तो इन्हीं के बेस पे हमने कैटेगराइज करके जो पहला हमारा है साइजेज एंड लेआउट ऑफ द शीट। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन जनरली आपका बनता है कि जो आपकी शीट होती है, ड्राइंग शीट होती है, वो आपकी A0 से लेके A1, A2, A3, A4, A5 इतने टाइप की आपकी शीट हो सकती हैं। इसमें दो टाइप दिया हुआ है आपको, एक ट्रिम साइज, एक अनट्रिम साइज। तो बेसिकली जो आपकी ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट में आपका कुछ पोर्शन लेफ्ट राइट अप डाउन से ट्रिम्ड कर दिया जाता है, मतलब वो पोर्शन छोड़ दिया जाता है। उस पोर्शन को छोड़ने का कारण ये है कि जब भी आपकी ड्राइंग शीट है कहीं भी असेंबल करी जाएगी, रखी जाएगी, तो वहाँ पर इसके डैमेज होने के चांस रहते हैं, तो उसमें आपकी ड्राइंग शीट ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए जो पोर्शन छोड़ा हुआ है, इस छोड़ने के पश्चात जो आपकी शीट का साइज़ बचता है वो आपकी ट्रिम्ड साइज़ होगी। अगर आप ओवरऑल साइज़ को लेंगे तो आपकी अनट्रिम्ड साइज़ होगी। तो इसी के बेस पे आपके जो साइज़ दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे A0 है, A0 की आपका ट्रिम साइज़ 841, 1189, और अनट्रिम साइज़ के लिए 880, 1230। तो इन दोनों में से किसी भी को भी याद पूछा जा सकता है। जनरली आप जो A0, A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह की शीट होगी, साइज़ आप याद करने के लिए सबसे पहले आप A0 के साइज़ को आप याद कर लीजिए, ट्रिम साइज़ के, अनट्रिम साइज़ के। और जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी लेंथ ब्रेथ है, तो ये साइज़ आपकी यहाँ पर एज इट इज़ हो जाएगी, ये इसकी हाफ़ हो जाएगी, और उसी के बाद फिर दोबारा से ये इधर सेम एज इट इज़ रहेगी और ये आपकी हाफ़ हो जाएगी। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप आप A0 से लेके A4 तक की जो आपकी शीट की साइज़ है, इनको आप बाय हार्ट रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि चांसेस बनते हैं कि आपकी इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाए। तो इसके साथ में जो सेकंड आपका जो हमने कंटेंट देखा था, जिसके जिसके अंदर से आपके ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो ड्राइंग को ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पेंटागन होती है उसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन है वो उसमें 6 साइड होती हैं, जो आपके हेप्टागन है उसमें 7 साइड होती है, ऑक्टागन है उसमें 8 साइड होंगी, जो आपके 9 साइड्स वाली होंगी वो नैनागन होंगी, और 10 साइड वाली डेकागन। तो इस तरह आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आपके किस तरह बनेंगे, अगले फिगर में देख रहे हैं। जैसे कि आपका सपोज ये फिगर दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि ये फिगर किस टाइप का है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हैं, तो ये आपकी पेंटागन हो गई। इसी सिमिलरली आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है, तो आपकी ये हेक्सागन हो गई। तो जनरली हमारे बताने का पर्पज़ ये है कि इस वीडियो का पर्पज़ आपको बताना सिर्फ यही था कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो जनरली आप इस चीज़ को, जो पीछे आपकी टेबल दी हुई है, अगर उसे आप याद कर लें तो आपकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका जिसमें हमने दिया था वो था आपका वेल्डेड जॉइंट। तो इसके अंदर क्वेश्चन आपके किस तरह के आएंगे कि आपको एक सिंबल दिया होगा और उस सिंबल से आपको बताना होगा कि वह वेल्डेड जॉइंट किस टाइप का है। जैसे कि सपोज आपका एक ट्रायंगलर शेप का आपको दिया हुआ है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके फिलेट का है, स्टड का है, स्पोर्ट का है, सीम का, किस, तो आप इसको याद रख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये फिलेट जॉइंट का आपका सिंबल है। उसी तरह दो आपकी लाइंस हैं, उसके ऊपर एक आपका कर्व दिया हुआ है, तो ये आपका स्क्वायर बट है। इसको याद करने के लिए आप जनरली जो मेन मेन आपके हैं 4-5, जिस तरह आपके सिंगल वी बट, डबल वी बट, सिंगल यू बट, डबल यू बट, और एक इसमें आपका स्पोर्ट्स सीम,
जनरली क्वेश्चन इन्हीं में से बन सकते हैं, तो अगर आप सारे याद ना कर सकें तो इन्हें चार पांच जो आपके दिए हुए हैं टॉप के और दो तीन आप नीचे को उनको याद कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आप इस तरह आपकी ड्राइंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी आपका एक शोल्डर जॉइंट का दिया हुआ है, इसको आप एज ए छोड़ सकते हैं कुछ ट्रेड्स में, जैसे वेल्डर वगैरह में, तो वो लोग इसे एक बार इसको पढ़ लेंगे। बाकी जो अदर ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, RAC, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, तो वो इसको एक बार के लिए छोड़ सकती है, पर जो वेल्डर्स वगैरह हैं उन सब के लिए थोड़ा सा कंपलसरी बन जाता है इसको याद करने के लिए। अगली जो हमें दी हुई है, जिसके ऊपर क्वेश्चन हमारा उन्होंने नेम इन दिया है, वो पाइप फिटिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपकी दो सिंबल दिया, एक आइसोमेट्रिक, एक आपका ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक आपको पता है कि आइसोमेट्रिक एक एंगल पे होगा, जो ऑर्थोग्राफिक होगा वो आपके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो दोनों में देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि जो आइसोमेट्रिक है वह किसी एंगल के ऊपर दिखाया हुआ है, जबकि जो आपका ऑर्थोग्राफिक है वह सीधा आपका परपेंडिकुलरली आपका एक ही प्लेन के अंदर दिखाया हुआ है। तो आज आप इसको याद करने के लिए आप भी जो इसके हैं जॉइंट कपलिंग, रिड्यूसर, 90 डिग्री एल्बो और टी, आप इन क्वेश्चनों में केवल आप ऑर्थोग्राफिक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो भी पूछे जाएंगे वो ऑर्थोग्राफिक से ही पूछ सकते हैं। तो आप इसको एक बार बाय हार्ट, इसको जो आपके चार पांच पाइप फिटिंग है इनको याद कर लीजिए, और आई होप कि इसमें से ही आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे और क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसके बाद आपके गेट वाल हैं, ग्लोब वाल, बॉल वाल, प्लग वाल, बटरफ्लाई वाल और नीडल वाल। तो इसमें आप जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके गेट वाल, ग्लोब वाल, बॉल वाल और आपका बटरफ्लाई वाल, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इन सबसे आए हुए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका जैसे आपका बट वेल्ड सिंपल इन्होंने सिंपल दिया है कि आपके गेट वाल का बट वेल्ड सिंपल ये है। फ्लेंज का मतलब क्या होता है कि जो आपके दो सिरे हैं इसके, उन दोनों सिरों को आपने फ्लेंज कपलिंग की सहायता से आगे पाइपलाइन से कनेक्ट कर लिया है, तो उसी का सिंपल ये इन्होंने दिखाया है कि जो आपका सिंपल, आपका जो बट वेल्ड का सिंबल है गेट वॉल का, एज इट इज़ ये है, बट आपके फ्लेंज कपलिंग के सिंपल के अंदर इन्होंने यहाँ पर दो जो आपको दिखाए हुए इस तरह के सिंबल, ये आपको फ्लेंज कपलिंग की हर एक फ्लेंज कपलिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से लगभग जो आपको मैंने मार्क किए हैं, 1, 2, 3, 4, इन चारों को कर लेंगे तो आपको आई होप कि कोई ना कोई आपका क्वेश्चन इजीली इसमें से सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में, तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जैसा कि आपको पता है कि आपका ये फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट है, ये सेकंड एंगल क्वाड्रेंट है, ये थर्ड एंगल क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ एंगल। आपको पता है कि सेकंड और फोर्थ आपका ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपकी हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपके एक ही फिगर के अंदर आ सकती हैं, तो इसलिए आपका इसका इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इसको कहीं भी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन आपका आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो आपका दिखाया हुआ है ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजेंटल प्लेन, तो आप इसको आपको पता होना चाहिए कि आपका वर्टिकल प्लेन है ये और ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब जो प्लेन आपका लेटा हुआ है वो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है और जो आपका प्लेन खड़ा हुआ है वो आपका वर्टिकल प्लेन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपके कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जैसे कि आपका ये आ सकता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ विजन है और पॉइंट ऑफ विजन और प्रोजेक्शन, ये आपके इसके बीच में कौन क्या चीज़ आती है, तो ये जो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो चीज़ है आपकी ऑब्जेक्ट, या फिर ये पूछ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ विजन और ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ कौन सा व्यू बनता है या किसके ऊपर व्यू बनता है, तो आपका हो सकता है प्रोजेक्शन। उसी तरह ये आपका फर्स्ट एंगल का था, थर्ड एंगल के अंदर वो पूछ सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ विजन और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका क्या आता है, प्रोजेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। बेसिकली यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझाने के लिए नहीं, बेसिकली बताने के लिए, क्योंकि एक साथ पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करना मुश्किल है, तो बस मेरा पर्पज़ आज ये है कि आपको बताने का कि बेसिकली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों को देखकर आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकें। जैसे कि जो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपका फर्स्ट एंगल में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्टिकल प्लेन पर कौन सा व्यू बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट एंगल है तो वर्टिकल प्लेन पे आपका फ्रंट व्यू बनेगा और आपके हॉरिजेंटल प्लेन पे आपका टॉप व्यू बनेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन एक बनता है। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले जाए कि थर्ड एंगल के अंदर, जैसे ये आपका थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल के अंदर आपका
कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हॉरिजेंटल प्लेन पे उसका कौन सा व्यू बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे कौन सा व्यू बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजेंटल प्लेन पर आपका टॉप व्यू बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर आपका फ्रंट व्यू बनेगा। तो दोनों कंडीशन सेम है, तो फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो, तो आपका जो फ्रंट व्यू है वो आपके वर्टिकल प्लेन पर बनेगा और जो आपका टॉप व्यू है वो आपके हॉरिजेंटल प्लेन पर बनेगा। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में जो एक उन्होंने टॉपिक दिया था, अगला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ में काफ़ी वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। आप अगर इसको करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम आपका ख़राब हो सकता है। तो आप इसके जो बेसिक सिंबल्स हैं वो आप समझ लीजिए कि जो आपका डीसी का सिंबल है, डीसी का सिंबल आपका ये है, और आपका एसी का सिंबल ये है, आपका पॉजिटिव का सिंबल, पॉजिटिव टर्मिनल का सिंबल ये है, नेगेटिव टर्मिनल का सिंबल ये है, और उसके बाद थ्री फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है, तो सिंगल फेज सप्लाई में 1.5 होगा, आपकी थ्री फेज सप्लाई में 3.5 होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स रहेगी। और एसी डीसी के लिए, एसी के लिए आपका ये रहा, डीसी के लिए आपकी सिंगल लाइन है, थ्री फेज लाइंस के लिए आपकी L1 L2 L3 तीन लाइंस का ही होंगी। आपकी जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल आपसे पूछ सकते हैं, आपकी सेल बैटरी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सेल के अंदर आपको पता है कि सिंपल एक पॉजिटिव नेगेटिव है, और बैटरी के अंदर आपका कम्बिनेशन ऑफ सेल है जिसके अंदर आपके 3 या 4 या 5 आपके लाइंस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव की हो सकती हैं। उसके साथ में अल्टरनेटर और जनरेटर के क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं, तो आप इन सिंबलों को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। डीसी मोटर भी एक आध बार पूछा हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। दरअसल जो आपके सिंबल्स हैं, या आप इसको पर्टिकुलर एक किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए लेके ना चलिए, क्योंकि जितनी भी अदर ट्रेड हैं आपकी, उसके अंदर भी आपका ये जनरली पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। जिसकी भी एलाइड ट्रेड्स के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जितनी भी ट्रेड्स हैं आपकी, उन सब चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये भी आपके टॉपिक का पार्ट है। उसके साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, एसी मोटर सिंगल फेज के लिए ये सिंबल है, और उसके बाद जनरल क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओम मीटर के हैं, तो इनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक्चुअली इस वीडियो का जो हमने आपको बता रहे हैं, तो आप अगर यदि इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा कि आप इजीली वहाँ पे पेपर सोल्व कर सकें। कैपेसिटर का सिंबल भी पूछा जा सकता है, अगर फिक्स कैपेसिटर है तो उसका सिंबल ये होगा, वेरिएबल कैपेसिटर के लिए होगा। जैसे कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपको पता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर आपके होते हैं, जिनको पोलराइज्ड भी कहा जाता है, तो इसके लिए सिंबल ये रहा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, आपके FET ट्रायक, डायक, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हर बार पूछा हुआ है। गेट के अंदर भी आपका नोट गेट, और गेट और नोर गेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको एक बार याद कर लीजिए। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझना है तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं। और यदि आपको ये चैनल PDF अगर आपको मंगवानी है, तो आप कमेंट के अंदर अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए, आपको एक दिन के अंदर या लगभग 1-1.5 दिन के अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी पर मैं पूरी PDF इसकी भेज दूंगा, ताकि आपको इजीली वहां से सब कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद ये आपके सिंबल्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स हैं, जिसके अंदर आपके, जैसे मैंने बताया था कि आपका अनपोलराइज है जिसका सिंबल ये रहा, और पोलराइज होगा उसके अंदर आपका प्लस माइनस होगा। ये डायोड का सिंबल है, ये आपके फोटो रजिस्टर का, ये रजिस्टर का, ये रिले का सिंबल जो RAC ट्रेड है उसके लिए स्पेशल, ये चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी स्टेपर मोटर का भी क्वेश्चन आपके टॉपिक है उसके अंदर बनता है, तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें, देख लें। अगला टॉपिक जो आपका पूछा जाता है, फास्टनर बोल्ट के ऊपर, जिसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका हेड है, तो आपका ये पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपकी हाइट ऑफ हेड है। उसके बाद ये आपके थ्रेड्स बने हुए हैं, थ्रेड्स के बिल्कुल एंड पर जहाँ से आपकी बोल्ट एंट्री करते हैं वहाँ पर आपका चैम्फर दिया होता है एंगल के ऊपर, तो वो 45 डिग्री का एंगल हो सकता है। यहाँ हेड से लेके आपकी पूरी लेंथ, इसको लेंथ ऑफ बोल्ट कहा जाता है, तो आप इसे ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि इसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर बाहर की तरफ आपको थ्रेड दिख रही है, तो ये आपकी एक्सटर्नल थ्रेड होगी, और अगर आपकी ये थ्रेड्स आपका बोल्ट के अंदर अंदर की तरफ है, तो ये आपकी इंटरनल थ्रेड्स।
तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक आधा आपका आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रीडिंग ऑफ नेविगेशन चार्ट है, इसमें से शायद हो सकता है कि आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर जो आपके कुछ मेन मेन आपके हो गए, फ्लैट कोस्ट हो गए, आपके क्लिफी कोस्ट हो गए, आपके स्मड कोस्ट हो गए, सैंड कोस्ट हो गए, तो आप इनको दो चार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये आपके सिलेबस में आया हुआ है और इसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको गिने चुने तीन चार जो होंगे आप याद कर लीजिए। यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं इसके लिए आपको PDF भेज दूंगा, ताकि वो आप वहाँ से इसको इजीली देख सकें। उसके बाद आपके हैंड टूल्स हैं, हैंड टूल्स आपके जो जनरली आपके हैं, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, मैलेट, ड्रिल मशीन, एलन की, ये आपके ऑलमोस्ट हर ट्रेड के लिए, फिटर के लिए, RAC के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और आपके इलेक्ट्रिशियन के लिए, सबके लिए आपके ज़रूरी हैं। तो आप इनको एक बार मोटर मैकेनिक के लिए तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ये आपके हैंड टूल्स हैं जो हर ट्रेड के अंदर आपके यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो ट्रेड टूल की बात आती है, ट्रेड टूल हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, तो उसके लिए आप अपनी रेफरेंस बुक, अपनी जो भी आपकी बुक है उसको आप एज ए रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, और उस ट्रेड टूल के लिए आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको इस ड्राइंग को, जो भी इन ड्राइंग का पेपर है, और ड्राइंग का पेपर अगर ये कंटेंट आपको PPT या PDF के रूप में अपनी ईमेल आईडी पर लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पास वो कर सक मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के अंदर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ताकि हम वहाँ से आपको जितनी जल्दी हो सके आपको आपकी PDF आपके पास भेज सकेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।